नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कुदरत ने भी क्या करिश्मा बनाया है, गुलाब के पेड़ में कांटों को सजाया है। अजब गजब इनका व्यवहार है, कीचड़ के बीच कमल की भरमार है। ऐसे ही कुदरत का करिश्मा है लिपस्टिक वाला फूल, जो कि एक सदी बाद दिखाई दिया है। आज खबर में हम आपको इसी फूल के बारे में बताएंगे। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से एक बार फिर ये पौधा अरुणाचल प्रदेश के औंजा जिले में पाया गया है। आपको बता दें, इस पौधे का वैज्ञानिक नाम एस्किनैंथस मोनेटेरिया डन है, लेकिन आसान और भारतीय भाषा में इसे इंडियन लिपस्टिक प्लांट कहा जाता है। ये पौधा दिखने में लिपस्टिक की तरह होता है, इसलिए इसे लिपस्टिक प्लांट कहा जाता है। और ये पौधा अब चर्चाओं में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ये पौधा एक सदी बाद दिखाई दिया है। आपको ये भी बता दें, 1912 में पहली बार इसकी खोज हुई थी। लिपस्टिक के पौधे की पहचान पहली बार ब्रिटिश बॉटनिस्ट स्टीफन टॉयलेट डन ने 1912 में की थी। इसके अलावा यह खोज अरुणाचल प्रदेश से इतिहाक हेनरी बर्किंग, एक अन्य अंग्रेज वनस्पति शास्त्री द्वारा इकट्ठा किए गए सैंपल्स के आधार पर की गई थी। बीएसआई वैज्ञानिक कृष्ण चौलू ने खोज के बारे में करंट साइंस जर्नल में पब्लिश आर्टिकल में लिखा, ट्यूबलर रेड कोरोला की उपस्थिति के कारण जिनिस एस्किनैंथस के तहत कुछ प्रजातियों को लिपस्टिक प्लांट कहा जाता है। आपको ये भी बता दें, ये फूल अक्टूबर और जनवरी के बीच खिलता है। वही कृष्ण चौलू ने अरुणाचल प्रदेश में फूलों के अध्ययन के दौरान दिसंबर 2021 में औंजो जिले में हुलियोंग और चिप्रू से एस्किनैंथस के कुछ नमूने एकत्रित किए थे। पौधा देखने में हूबहू लिपस्टिक के जैसा होता है। आपको भी बता दें, ये फूल नमी वाले सदाबहार जंगलों में 543 से 1134 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। आपको इस एस्किनैंथस शब्द का मतलब भी समझा देते हैं। एस्किनैंथस ग्रीक भाषा के शब्द एस्टिन और एंथोस से लिया गया है। एस्टिन का मतलब शर्माना होता है, जबकि एंथोस का मतलब फूल होता है।